गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह मैंने सुबह को नहला दिया क्योंकि सुसु सब कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे। मतलब हमारी सुबह तो कपड़े चेंज करना बिना नहलाए, इतना साफ सफाई करना, इससे बेटर नहला दो, ढंग के कपड़े पहना दो। है और राम को पानी गिरा दिया सारा। तो हेलो दोस्तों, ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जड़े हुए पराठे और साथ में भिंडी की सब्जी नाले चाह। जड़े परौठे कानू दिते मैनु, खुद खा रही मठिया, ये बच्चा खा रहा है बिस्किट और कार्टून देख रहा है अपना। ओ तेरी क्या प्रोटेक्शन करेगा हमारी, ये उखाड़ दिया भाई, सिखाना है टाइम। आपको बचाने के लिए लगाया था, आप तो इसी की तरोड़ मरोड़ रहे, बस ऐसी रहेगा ये। ओके आओ इधर चलो। और देखो ये सो रहा था और इसको पता चल चुका है कि कोई आ रहा है ऊपर, इसको पहले ही पता चल चुका है क्योंकि डैडी का जस्ट अभी फ़ोन आया था कि मैं नीचे आ जाऊं गाड़ी के लिए, कुछ पूछ रहे थे। तो इसको भनक लग गई है कि ऊपर कोई आने वाला है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो अभी डैडी गाड़ी आगे पीछे ही कर रहे हैं सिर्फ, ये देखो अपनी लगा दी है और मेरी वाली लगा रहे हैं। और ये भाई साहब अभी से इसको पता चल चुका है। आ जाओ आप भी बाहर आ जाओ, दो मिनट दादू आए आपके, आओ। गाइज हमारे गार्डन में देखो कितने अच्छे फूल उगे हैं प्लास्टिक के, देखो वापस वहीं जाएगी जो रबड़ इसने तोड़ी है ना, वापस वहीं जाने के लिए कर रही है, मैं इसको रोक रहा हूँ। क्लोजेट की लाइट चलते ही इसको ऐसा लगता है कि हमने कहीं जाना है क्योंकि विशाली वहाँ खड़ी होकर तैयार होती है ना, वहाँ खड़ा हो गया। सो आई ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज घर का कुछ काम कर रही थी और अब मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च, तो फटाफट चॉपिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ और बस उसके बाद तो तड़के में डाल दूंगी। सो मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च और ये रहे मेरे सारा सामान, तेल गरम हो रहा है बस, फिर मैं डालूंगी अपने प्याज। सब कुछ मैंने डाल दिया है, सब कुछ हो गया है, आलू भी ऑलमोस्ट पक गया 70%। आप बस शिमला मिर्च जब हल्की सी पक जाएगी तब हमारी सब्जी बन जाए। सब शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना होता, उसमें तेल तेल चला जाता है और फिर ना इतनी ढीली ढीली सी शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती है। सो आज ऑलमोस्ट 15 दिन या 20 दिन के बाद हम नोएडा जा रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत मन कर रहा है वहाँ के टेस्टी बर्गर खाने का, तो मैं आपको दिखा दूंगी वहाँ देखूंगा कितना खाती है। और मोमो स्पेशली वहाँ के मेन चीज ये है और वहाँ के चूरोज। सिवानू भी जाएगी हमारे साथ और आज मैं ऑस्टिन की व्हाइट बोन लेके आऊंगी क्योंकि उसमें व्हाइट बोन नहीं है तो हमें लेके आनी पड़ेगी। ऑस्टिन की हड्डी और दिल देख रहा है एक्चुअली ना, कहाँ गया लाऊं चाहे ना लाऊं बोलना जरूरी है तभी वो खुशी से जाने देगा। ये पीछे पड़ा मुझे कुछ अपना सौदा ले लेके आज हम ऑस्टिन का सौदा लेने आए हैं, ये शॉप फेच। तो मंथ एंड ज्यादा नहीं लेंगे बट थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। और फिर नोएडा में ये है जलंधरी वाइब्स, यहाँ का बहुत टेस्टी बर्गर है। हमने यहाँ से सोया टिक्का बर्गर और मुर्ग टिक्का बर्गर, ये दो बर्गर लिए थे बट सोया टिक्का वॉज मच बेटर। शिवाना ने आते ही गुब्बारे वाले बच्चों को देख के हाथ मारा कि मुझे गुब्बारे जलाओ, बेटा स्टार्ट कर चुका है अब मुझे लग रहा है चीजें मांगना। हेलो, और हमारा सेकंड फेवरेट स्टॉप टी स्टार, जहाँ की आइस टी हमारी फेवरेट है, एक लेमन ग्रास और एक लेमन, मैं लेमन पीती हूँ ये लोग लेमन ग्रास लेते हैं। और यहाँ इतनी टेस्टी रिफ्रेशिंग आइस टी है ना, मैं क्या बताऊंगा। ये वाले मोमोज की बहुत क्रेविंग हो रही थी, ये वाले और ये आइस टी। गाइज ये बर्गर हम ट्राई करने आए हैं, ये है सोया बर्गर और एक सोया टिक्का बर्गर, एक चिकन टिक्का बर्गर भी है। सोया टिक्का की इधर आओ, पैटी देख लो, कोई ऐसे सोचो कि सोया चंक्स डाल दिए। हाँ पैटी भी मस्त है भाई, और हरी चटनी वगैरह सब है अंदर। और ये खाती नहीं है वैसे बर्गर, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मिर्ची नहीं, ड्राई लग रहा होगा, ड्राई नहीं लग रहा देखने से, अच्छा है। चलो मेरे लिए अच्छी जगह मिल गई, मैं बर्गर बहुत पसंद करता हूँ। आप
गाइस यार फोन का कवर ले लेता हूँ जरा मैं। भैया XR का कवर है क्या? सो कोमल मासी जाने से पहले ये पकड़ा के गई हैं, जो ये इसने लिया है शिवाना के लिए टम्बलर कह लो, सिपर कह लो, कुछ भी है। हालांकि उसको पता नहीं था कि मैंने भी अभी सिपर मंगाया उसके लिए। जो मैंने मंगाया वो ये वाला है। तो चलो कोई नहीं, ये सब तो काम आने वाली चीजें हैं। सो हम यहाँ से आ गए मम्मी के। चलो चलो चलो, जीजी खाएंगे, जीजी खाएंगे, चलो। हाँ भाई मेरे पूरे चैनल परोटा परोटा कहाँ गई थी? कहाँ पुत्रू, कहाँ गया था? कहाँ गया था? पहचानने की कोशिश कर रही है, इतने दिनों बाद देख रही है आपको। हाँ वही तो दिखाई कुछ आई मैं, क्या है मचल रही है किसी? हाँ खड़ा हो, उंगली से खड़ा करो, खड़े हो जाओ। देखो जरा ये बेड पकड़ के, रात के 12 बज रहे हैं, इसको टेंशन नहीं है कोई नींद। शिवाना हम जा रहे हैं, बाय फिर, बाय, हम जा रहे हैं, चलो। और जोर से पकड़ लेगी, देख अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उठाओ इसको एक मिनट, ये बंद करो। ऑस्टिन के लिए आज आए हैं ये ड्रूल्स के कबाब, सॉसेज है ये, और ये मरता है इनको देख के, देखो मर जाता है बिल्कुल इसको देखने के लिए, खाने के लिए। हाँ और इसको खाने में डाल के दूंगा, ये चाहता है मैं ऐसे ही दे दूँ। देखो भूखा, देखो कितना भूखा है। शिवानु खा रहा है चावल विद फ्रूट्स, यम यम यम। सो गाइस हमारा हो रहा है 1 बजे डिनर, मतलब हमारा तो हो गया। अब शिवाना को खिलाऊंगी और कपड़े चेंज करके। वो सब्जी बड़ी टेस्टी थी यार, लसूड़े की सब्जी। हाँ वो बहुत टेस्टी सब्जी थी। चलो गाइज आज का पूरा दिन ऐसे ही भाई आलस आलस में निकल गया, क्योंकि हम एक डेढ़ बजे के करीब उठे। उसके बाद हमें शिवाना के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, आज पूरा दिन शिवाना के साथ खेलते रहे, और फिर उसके बाद फिर से नींद आ गई, फिर से सो गए। फिर शाम को थोड़ा बहुत निकले घूमने फिरने के लिए, गोलू भी था हमारे साथ में, आपने देखा होगा। तो खा पी के अब घर आ चुके हैं, काफ़ी देर हो गई हमें, और शिवाना बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही है। विशाली यहाँ पर अमेजोन से शॉपिंग का सामान कार्ट में डालते जा रही है, लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं दिलाऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आज ईद की छुट्टी थी, इसलिए अब मैं व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, ख़त्म होते वक्त रात हो गई है। अब मैं ईद मुबारक बोल देता हूँ सबको, बोल दे भाई जो लोग। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, हैप्पी ईद, और ब्लॉग एंड कर देते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर ब्यूटीफुल चैनल। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, मुझे नहीं लगता था कि ये ब्लॉग एंड करेगी, बट चलो कल मिलते हैं। बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।